नालंदा जिले के भागनबीघा ओपी के पतासंग पेट्रोल पंप के समीप पटना राजगीर इलेक्ट्रिक बस और स्कॉर्पियो की टक्कर में 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जिसमें से 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मी हरनौत थाना क्षेत्र के बक्सू गांव निवासी विकास कुमार, उनकी पत्नी ममता देवी, 2 बच्चे, चालक मिथिलेश उर्फ चुनचुन और बस पर सवार इस्लामपुर की माया कुमारी है। स्कॉर्पियो पर सवार सभी शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे, इसी दौरान यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही भागनबीघा थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार मौके पर पहुंचकर सभी जख्मी को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाए, जहां से 3 लोगों को बेहतर इलाज के लिए विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया है। यहाँ एक स्टेट बस और एक स्कॉर्पियो जो दक्षिण से आ रहा था, स्टेट बस नॉर्थ से दक्षिण जा रहा था, दोनों के बीच में टक्कर हुआ। टक्कर होने के बाद स्कॉर्पियो जो है जिस रूट से आ रहा था उसी रूट पर घूम गया। इसमें 2 जेंट्स, 1 लेडीज, 2 बच्चे, जिसमें बच्चे का हालत तो ठीक है, लेकिन जेंट्स काफ़ी खतरे में और लेडीज के भी चोट है। टोटल कई लोग जख्मी हैं? टोटल 5 लोग हो गया, जो 2 बच्चे और 1 लेडीज और 2 जेंट्स है, उसका हाल अच्छा तो 4 हुए। अच्छा, ये कहाँ घटना हुआ है? ये पतासन महेश पेट्रोल पंप के पास। क्या हुए यहाँ क्या? हम यहाँ पतासन ग्राम के निवासी। क्या नाम हुआ? संजीत सिंह।